अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू शेयर करने वाली हूँ डेकैथलॉन कंपनी के BT100 मिनी पूल टेबल का। इस मिनी पूल टेबल की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसका प्राइस कितना है, ये बजट फ्रेंडली है या नहीं है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या है, ये टेबल आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के साथ ये होने वाला है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो मिनी पूल टेबल है वो मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुई है। इस पूल टेबल को मैंने डेकैथलॉन की ऐप से परचेज किया है और इसका जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है। तो चलिए फटाफट मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो इस मिनी पूल टेबल में आपको दो पूल क्यूज मिल जाती हैं, जिसमें आगे की साइड में इसमें रबर ग्रिप भी दी हुई है। इसके अलावा इसमें आपको 15 बिलियर्ड्स बॉल, एक ट्रायंगल रैक, टेबल को क्लीन करने के लिए एक ब्रश और इसमें आपको 4 स्टैंड्स मिल जाते हैं, जिन्हें टाइट करने के लिए इसमें आपको स्क्रूज भी दिए हुए हैं। इसके अलावा टेबल के दोनों साइड में आपको इस तरह से ग्रिप भी दी हुई है, जिससे कि अगर आपको टेबल को इधर से उधर कैरी करना हो तो आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। इस पूल टेबल की लेंथ 118 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ जो है वो 64 सेंटीमीटर है। इसके अलावा ये जो पूल टेबल है वो कार्डबोर्ड की बनी हुई है, इसमें आपको प्लाईवुड नहीं मिलती है और इसमें जो पॉकेट्स में नेट लगी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसमें प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा पूल टेबल को क्लीन करने के लिए जो इसमें ब्रश दिया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और एकदम इसमें सॉफ्ट ब्रशेस दिए हुए हैं। सॉफ्ट ब्रशेस वाले ब्रश से आपके जो टेबल का कुशन है वो भी ख़राब नहीं होगा, टेबल अच्छे से क्लीन भी होगी और इसमें कोई भी स्क्रैचेज वगैरह नहीं पड़ेंगे। इसमें आपको दो पूल क्यूज मिलती हैं, तो दोनों में इसमें आपको केवल रबर ग्रिप मिलती है। जो आप दूसरी वाली ये क्यू देख रहे हैं उसमें मैंने अलग से टिप लगाई है। पूल टेबल के साथ ये टिप मुझे प्रोवाइड नहीं हुई थी, इसे मैंने अलग से परचेज करके इसमें लगाया है। इस टिप का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपको क्यू बॉल को स्पिन वगैरह करना होता है तो इस टिप से बहुत ही आसानी से वो स्पिन होती है। तो इस पूल टेबल में स्टैंड के साथ इसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर होती है, केवल कुशन की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर होती है और 6 सेंटीमीटर इसकी फीट की हाइट है। और इस पूल टेबल में आपको 2 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इस पूल टेबल के प्रोस के बारे में। तो 10,000 के रेंज में इस तरह की पूल टेबल आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मैंने डेकैथलॉन के स्टोर में भी जाके विजिट किया, वहाँ भी मुझे 10,000 के रेंज में कोई भी मिनी पूल टेबल नहीं मिल रही थी। मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट और भी काफी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे विजिट किया, लेकिन वहाँ भी मुझे इस रेंज में इस क्वालिटी की पूल टेबल नहीं मिल रही थी। जितने भी पूल टेबल मैंने देखी उनकी स्टार्टिंग 24-25,000 से स्टार्ट हो रही थी, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली थी। तो 10,000 की रेंज में ये पूल टेबल काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी सही है। इसके अलावा ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, इसलिए बहुत ही ज्यादा कम स्पेस लेती है, तो आप इसको घर में कहीं भी इजिली प्लेस कर सकते हैं और पूल टेबल का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा इस पूल टेबल के साथ में जो एसेसरीज मिली है वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। उन एसेसरीज के साथ प्ले करने में ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आप जो बिग रियल पूल टेबल होता है उसमें ही आप प्ले कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक 5,000 की रेंज में एक मिनी पूल टेबल परचेज की थी, जिसकी जो एसेसरीज और जो पूल टेबल की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बेकार आई थी, जिसे कि मैंने रिटर्न भी कर दिया था। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो मिनी टेबल है उसका जो शेप है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट बना हुआ है, चाहे इसके पॉकेट्स की बात कर लें या फिर जो इस पूल टेबल के ऊपर जो कुशन है उसकी बात कर लें, ये काफी अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं और इसकी जो डिटेलिंग है उसमें अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। कोई भी पॉकेट छोटा या बड़ा नहीं है, सारे पॉकेट सेम साइज में है। इसके पहले जो मैंने मिनी पूल टेबल मंगाई थी उसमें एक पॉकेट छोटा था, बाकी 3 पॉकेट सेम साइज के थे, लेकिन एक पॉकेट जो था उसमें बॉल जा ही नहीं रही थी। तो इस तरह से ये जो मिनी पूल टेबल है उसका जो शेप है वो भी काफी ज्यादा परफेक्ट है। उसके अलावा आप चाहें तो इसमें अलग से भी एसेसरीज खरीद सकते हैं, जैसे कि जो पूल क्यू होती है उसके ऊपर टिप होती है वो भी आप अलग से परचेज कर सकते हैं, और जो टिप पे लगाने के लिए चौक होती है वो भी आप अलग से इसमें परचेज करके पूल टेबल को थोड़ा सा और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके कॉन्स की। तो इसमें कमियां क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली कमी इसमें मुझे ये लगी, जो इस
पूल टेबल का बेस है वो प्लाईवुड का नहीं बना हुआ है, इसमें कार्डबोर्ड यूज किया है, तो लॉन्ग टर्म में जो ये कार्डबोर्ड है वो खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप इनको डेली बेसिस पे आप इधर से उधर मूव करेंगे या इसे डेली उठा के रखेंगे फिर वापस से लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी खराब होने के इसके चांसेस हैं। इसीलिए मैंने इसको परमानेंटली यहाँ पे रख दिया है, इसको मैं बार बार इधर से उधर मूव नहीं करती हूँ या फिर इसे इधर से उधर शिफ्ट नहीं करती हूँ। उसके अलावा ये जो पूल टेबल है उसको रखने के लिए आपको एक अलग से कोई स्टैंड या फिर टेबल परचेज करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा खर्चा करना पड़ जाएगा। मैंने भी इस पूल टेबल के लिए एक अलग से टेबल परचेज की है जिसके ऊपर मैंने इसको प्लेस किया हुआ है, तो ये आपको अलग से खर्चा करना पड़ सकता है। अगर आपके पास पहले से कुछ अवेलेबल हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको अलग से परचेज करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 10,000 में ये मिनी पूल टेबल काफी अच्छी परचेज है, तो अगर आप पूल टेबल खेलने के शौकीन हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसे इधर उधर मूव ना करें और केयरफुली इसे हैंडल करें तो काफी ज्यादा लंबे टाइम तक ये पूल टेबल चलेगी और आप इसमें पूल टेबल प्ले करने का मजा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोज की सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।